हेलो दोस्तों, मिथिला में आशी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार दोस्तों आ चुका है वो खुशी का पल, इतने वर्षों के बाद जो है दरभंगा फॉरबिसगंज रेल लाइन होने वाला है। एक दोस्तों अभी तक जो आप सभी को जो है ये खबर जो है पता चल ही गया होगा कि सहरसा फॉरबिसगंज रेल लाइन और दरभंगा फॉरबिसगंज रेल लाइन का जो है मिलन 3 से 4 फरवरी को जो है होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा खबर है दोस्तों। आज के वीडियो में जो है मैं आप सभी को इसी को लेकर जो है एक छोटा सा और अपडेट देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो है जो हमारा इंतजार था इतने वर्षों का वो पूरा हुआ और वो इंतजार का फल जो है मीठा हुआ। दोस्तों पेश है नया रक्सौल से लेकर जोगबनी तक ट्रेन, जिसका जो है रूट होने वाला है रक्सौल से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से दरभंगा, उसके बाद जो है झंझारपुर, सरायगढ़, राघोपुर, ललितग्राम, हरपतगंज, फॉरबिसगंज। तो ये जो है एक नया ट्रेन का प्रचलन जो है होने वाला है जोगबनी से रक्सौल और रक्सौल से जोगबनी के बीच में, जिससे कि जो है संपूर्ण मिथिलांचल और संपूर्ण सीमांचल का जो है एक तरह से मिलन कह सकते हो। अगर हम बात करें जोगबनी की तो जोगबनी भी जो है बॉर्डर के एरिया से जुड़ा हुआ है, और यदि बात करें रक्सौल की तो रक्सौल भी जो है बॉर्डर के एरिया से जुड़ा हुआ है। यानी कि समझ सकते हो कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक का जो है ये रास्ता तय करेगी ट्रेन। इस ट्रेन की जो दोस्तों किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। इतने दिनों से हम जो सिर्फ इसी उम्मीद में थे कि दानापुर जोगबनी और सहरसा जोगबनी हमें मिलेगी, लेकिन देखिए दोस्तों अब जो है ट्रेन की शुरुआत हो रही है तो एक पर एक जो है मिलती ही जाएगी, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जो है इतना इंतजार ही किया है कि उनके सब्र का फल जो है मीठा हुआ। और अब देखिए उसी के फलस्वरूप जो है अब जो है दरभंगा फॉरबिसगंज रेल लाइन और सहरसा फॉरबिसगंज रेल लाइन पर ट्रेनों का प्रचलन जो है 4 फरवरी से शुरू हो जाएगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि दरभंगा से फॉरबिसगंज के बीच जो है एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रचलन शुरू किया जा रहा है, क्योंकि इतने वर्षों से जो है हम जो भी आपको अपडेट दे रहे हैं सिर्फ जल्द चलेगा, लेकिन अब जो है एक ऑफिशियल अपडेट जो है आप सभी को दे रहे हैं कि 4 फरवरी से जो है शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए एक सबसे बड़ी सौगात हो गया है 2024 का, दानापुर जोगबनी, सहरसा जोगबनी। हालांकि दानापुर जोगबनी का भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप सभी को बता दें कि 4 फरवरी को जो है बेतिया में जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, तो उन्हीं में जो है ये आप सभी एक नोटिस देख रहे हो, इनमें जो है पूरा ट्रेन का जानकारी दिया गया है कि कौन से ट्रेन का जो है उद्घाटन करने वाले हैं, क्या कहाँ पर होने वाला है। तो बेतिया में जो है वो सभी इन ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद जो है 5 तारीख से जो है 4 तारीख से जो है इन ट्रेनों का प्रचलन जो है शुरू कर दिया जाएगा। पहले जो है प्रधानमंत्री जी का जो ये कार्यक्रम था वो 27 जनवरी के ही दिन था, लेकिन 27 जनवरी को जो है ये प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया था। अब उसके जगह जो है ये प्रोग्राम का जो है तारीख रखा गया है वो है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को ही पूरी उम्मीद है कि इन सभी ट्रेनों का जो है उद्घाटन हो जाएगा। दोस्तों जैसे जैसे और कुछ अपडेट आता है, जैसे कि इनके टाइम टेबल आते हैं, इनके रैक आते हैं, मैं आप सभी को जो है सारे अपडेट जो अपने चैनल के माध्यम से जरूर दूंगा। दरभंगा फॉरबिसगंज रेल लाइन, सहरसा फॉरबिसगंज रेल लाइन के ऐसे ही और खबरों के साथ जो है आप सभी हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। मैं ऐसे समय पर आप सभी को सारे अपडेट जुड़ देते रहूंगा। चलिए दोस्तों मित्र, हमसे से बहुत जल्द हमारे एक और नए वीडियो पर एक और नए अपडेट साथ। तब तक के लिए ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।